क्षेत्र में हम व्यापक बदलाव कर रहे हैं, हम सभी विभागों में व्यापक बदलाव कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे PWD है, चाहे शिक्षा है, चाहे और संस्थान है, उसमें व्यापक बदलाव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के जनता के खजाने को लुटाया है, चाहे हिमकेयर की बात कर ली जाए, चाहे बिजली फ्री में 22 जून में 2022 को चुनावों से 4 महीने पहले बिजली फ्री की बात उन्होंने की और प्रदेश के खजाने पर तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का नुकसान किया, पानी के बिल माफ़ करने की बात की। जो लोग सामर्थ है, साधन संपन्न हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, उनके बिल माफ़ नहीं होने चाहिए थे। वो खुद हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे बिल लीजिए और प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल बनाइए। और मुझे खुशी है कि हमने जो 2 बजट पेश किए उसमें अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार दिखता नज़र आ रहा है। ये तो देखिए, वो अब एक विधायक हैं, उनका भी एक दायित्व उनके विधानसभा क्षेत्र देरा के लिए है, जो सवाल पूछेंगे उसको उत्तर देंगे। सर आज आपने शिलान्यास, विधानसभा सत्र तो जरूरी होता है, मानसून सत्र, और उसका समय था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 40 पर थे 40 पर हिमाचल की जनता ने हमें दोबारा पहुंचाया। हम निश्चित तौर पर जो विश्वास हिमाचल की जनता ने हमें दिखाया है, उस जनता के विश्वास के अनुसार जो समाज से जुड़े हुए कई बिल है उनको भी लाएंगे और जो सवाल पूछने हैं या विपक्ष के लोगों ने जो भी बात पूछनी है वो ये विधानसभा का मंच होता है जहाँ वो अपनी बात को रखते हैं। निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि विपक्ष जो उनके मन में या दिल में दुविधा है वो सवालों के माध्यम से बुजुर्ग पूछे या प्रस्ताव लाकर पूछे।